नमस्कार, बहुत स्वागत कोयनास कॉर्नर में। मैं हूँ आराधना। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। फ्राइड इडली एक बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता है, जिसे आप बची हुई इडली से बनाकर तैयार कर सकते हैं और तैयार भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। फ्राई इडली बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 6 से 7 इडली। इडली को हमें अपने मन चाहे शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसके चौकोर टुकड़े कट कर रही हूँ। सारी इडली को इसी तरह से कट करके तैयार कर लें। ये हमने सारी इडली को अच्छे से कट कर लिया है। इसके साथ थोड़े से कड़ी पत्ता लेने हैं हमें तड़के के लिए। तो यहाँ पैन में लेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच राई और थोड़े से कड़ी पत्ता। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भून लें। अब इसमें डाल देंगे हम इडली और इडली को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसमें फ्राई करना है। जितने भी हमने ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर जो है वो इडली के अंदर आ जाए। और इस तरह से हमारी इडली फ्राई भी अच्छे से हो जाएगी, जिसमें ना ज़्यादा ऑयल होगा और मज़ा बिल्कुल आपको अच्छी चटपटी इडली का आएगा। चलाते जाएं और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लें। हल्का हल्का इडली का कलर चेंज हो जाएगा, आपको हल्का हल्का उसमें क्रिस्पीनेस जो है वो नज़र आने लग जाएगा। बस उतनी देर तक आपको फ्राई करना है। अब डाल देते हैं इसमें सांबर मसाला। तो 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्ची पाउडर, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप इसमें नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से मिला देना है और लगभग 1 मिनट के लिए हमें अच्छे से चलाते हुए इसे मसालों के साथ भून लेना है। दोस्तों, ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो सुबह में बहुत जल्दी तैयार होता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आप इसे बनाइएगा और इसे इसी तरह से बनाकर खाइएगा। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चटपटी फ्राइड इडली बिल्कुल रेडी है, तो ज़रूर खाइए और कमेंट शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।